नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब के एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत गीत के बारे में बात करने वाले हैं, जिस गीत को सुनकर आप बस सुनते ही रह जाएंगे। यूं तो दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे सुपरहिट गीत हैं, जिन सुपरहिट गीतों को अलग अलग सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी हैं, और उन सुपरहिट गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने एक अलग ही अंदाज में अपनी आवाज़ दिए हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ही एक ऐसे ही बॉलीवुड के सुपरहिट गीत लेकर आया हूँ, जिस गीत को मोहम्मद अजीज साहब ने एक अलग ही अंदाज में अपनी आवाज़ दिया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 1995 की फिल्म याराना तो याद ही होगा, और इस फिल्म में लीड रोल पे ऋषि कपूर साहब और माधुरी दीक्षित जी हैं, और यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में गीत थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और गीत के बोल हैं, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। और इस गीत को बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में कविता कृष्णमूर्ति जी ने माधुरी दीक्षित जी के लिए अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत अनु मलिक साहब ने दिया है, और लिरिक्स रानी मलिक जी ने दी है। और ये गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, 90 के दशक में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है, इसी गीत को ही एक अलग ही अंदाज में हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने भी अपनी आवाज़ दिया था। आप लोगों को 1996 की एल्बम ख्वाजा जी के दर पे याद ही होगा, और इस एल्बम में मोहम्मद अजीज साहब ने 3 गीत गाए थे, लेकिन एक गीत है, गीत के बोल हैं, मेरे ख्वाजा जी के दर पे जो आए। और इसी गीत को ही मोहम्मद अजीज साहब ने फिल्म याराना का गीत मेरा पिया घर आया ओ राम जी, इसी धुन पर ही ये गीत जो है वो अजीज साहब ने एक अलग ही अंदाज में गाया था, जिसे सुनने के बाद आप बस सुनते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए पहले हम लोग ये गीत सुन लेते हैं, फिर आगे इस एल्बम के बारे में बात करेंगे। तो यही गीत है दोस्तों, जिसे मोहम्मद अजीज साहब ने फिल्म याराना का गीत मेरा पिया घर आया, इसी गीत के धुन पर ही मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज दिया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। और एल्बम ख्वाजा जी के दर पे काफी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। भले ही याराना फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी और ये एल्बम 1996 में रिलीज हुई थी, लेकिन दोस्तों, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में इस गीत को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, और आज भी पसंद किया जा रहा है। और इस एल्बम का संगीत मोहम्मद तुफैल नियाजी साहब ने दिया, और लिरिक्स चांद इकबाल साहब ने दिया। और भले ही ये एक उर्दू एल्बम है दोस्तों, लेकिन ये एल्बम काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और इस एल्बम में मोहम्मद अजीज साहब ने 3 गीत गाए थे। पहला है दमादम मस्त कलंदर, ये गीत भी आप लोगों ने सुने ही होंगे, बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और दूसरा है मेरे ख्वाजा जी के दर पे जो आए, जी हाँ दोस्तों, इस गीत के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। और तीसरा है रहमत बरसे तुमरे अंगना। इन तीनों गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने इस एल्बम में अपनी आवाज़ दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्वाजा जी के दर पे जो आए, ये गीत बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और ये गीत याराना फिल्म के धुन पर ही मोहम्मद अजीज साहब ने गाया था, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इन गीतों के साथ ही दोस्तों, और मोहम्मद अजीज साहब के से बहुत सारे गीत हैं, जिन गीतों को मोहम्मद अजीज साहब ने एक अलग ही अंदाज में अपनी आवाज़ दिया था। खास करके मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़्यादातर जितने भी सुपरहिट गीत हैं, जिन गीतों को कभी भजन के रूप में तो कभी एक अलग ही अंदाज में मोहम्मद अजीज साहब ने अपनी आवाज़ दिया था, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को एल्बम मेरे ख्वाजा जी के दर पे का जो गीत है वो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है ख्वाजा जी के दर पे एल्बम का ये गीत है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोहम्मद अजीज साहब के कुछ बेहतरीन गीत हैं जो लेकर लाता रहूँगा। तो ये गीत आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये गीत अगर आप फुल सुनना चाहेंगे तो ये नेट पे अवेलेबल है, तो आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या आप कोई भी वेबसाइट से जाकर इस सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र या यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा ख्वाजा जी के दर पे, फिर उसके बाद इस एल्बम का सॉन्ग जो है वो आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अजीज साहब के एक बहुत ही खूबसूरत गीत की। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।